हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवैस शहाब और अवैस लाइब्रेरी में मैं अपने व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। गाइस, आज बेसिकली हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ मर्जर ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स। मैंने पहले ही अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस कर लिया था, अब हम मर्जर ऑफ बिजनेस को देखेंगे। गाइस, मर्जर ऑफ बिजनेस बेसिकली होता क्या है, जब दो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो हम इसे कहते हैं मर्जर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ऐसे क्वेश्चंस में एसेट्स के साथ साथ ट्रांसफर होते हैं लाइबिलिटीज़ भी, और इन सच सर्कमस्टेंसेज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कुछ इस तरह कहते हैं कि सारे एसेट्स को डेबिट कर देते हैं और सारी लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर देते हैं, और उसके बाद जो डिफरेंस अमाउंट होता है डेबिट और क्रेडिट का, उस अमाउंट से हम कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं हर पार्टनर के सेपरेटली। हमारे पास एक डेमो क्वेश्चन है, उस डेमो क्वेश्चन के मुताबिक इस क्वेश्चन को या इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। केलर, फ्लेक्स एंड फीस्ट, इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, और केलर और फ्लेक्स ये दोनों पहले से एक बिजनेस रन करते थे सोल पार्टनरशिप का, और अब किलर और फ्लेक्स या फीस्ट जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट हमारे पास नीचे है। उसको हम सॉल्व करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, और इसको हम लेट्स स्टार्ट कि मिस्टर किलर कैश इन्वेस्टमेंट करते हैं $60,000। लेट्स बिगिन विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ किलर। गाइस, क्योंकि क्वेश्चन में टाइटल FKF एंटरप्राइजेस गिवन है तो मैंने वही टाइटल मेंशन कर लिया, एयर मंथ और डेट मेंशन नहीं है, सो मैंने उसकी जगह पर 4x कंसीडर कर लिया, 3x कंसीडर कर लिया, 2x कंसीडर कर लिया है। अब मैं कैश को डेबिट करूंगा किलर के लिए। किलर ने कैश की इन्वेस्टमेंट की है $60,000 की, तो $60,000 से कैश मैं कर दूंगा डेबिट। उसके बाद किलर की इन्वेस्टमेंट है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की, तो मैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को 45,000 से कर दूंगा डेबिट। इसके बाद हम तीसरे करंट एसेट की तरफ जाएंगे, और दैट इज़ अब कोई करंट एसेट नहीं है किलर के पास, तो इक्विपमेंट, फर्नीचर और ऑफिस प्रेमिसेस तीनों नॉन करंट एसेट है, तो हम अब इसी सीक्वेंस से इसको लिख देंगे। इक्विपमेंट अमाउंट इज 50,000, फर्नीचर इज 35,000 एंड ऑफिस प्रेमिसेस 3,000 and
प्लेटफॉर्म। इसी के साथ जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हमने कर ली है और जर्नल के बाद हमारा अगला टास्क है बैलेंस शीट बनाना। और बैलेंस शीट किस तरह बनाते हैं मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा गाइज, अब बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे लेट्स सी, क्योंकि क्वेश्चन में FKF एंटरप्राइजेस मेंशन था, मैंने वही मेंशन कर दिया है। बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट की हेडिंग मेंशन कर दी, और क्योंकि हमारे पास ईयर मंथ और डेट मेंशन नहीं था तो इसलिए मैंने 4x, 3x और 2x कंसीडर कर लिया है रिस्पेक्टिवली। गाइज, सबसे पहले हम करंट एसेट को रिपोर्ट करेंगे बैलेंस शीट में। सबसे पहले मेरे पास जो करंट एसेट है दैट इज़ कैश, और मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको ये बात बता दी थी कि जब कभी भी हम कैश को रिपोर्ट करेंगे बैलेंस शीट में तो तीनों पार्टनर या दो पार्टनर या चार पार्टनर जितने भी लोग होंगे उन सब के कैश को प्लस करके लिख देंगे। तो फीस का कैश इन्वेस्टमेंट, फ्लेक्स की कैश इन्वेस्टमेंट थी 400,000 की, मैंने वो भी लिख दी। फीस ने इन्वेस्ट किया था 80,000, मैंने वो भी प्लस कर दिया है। और 60,000 किलर ने इन्वेस्ट किया था तो मैंने इन तीनों को प्लस करके 5,40,000 का अमाउंट रिपोर्ट कर दिया। दूसरा करंट एसेट है मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल सिर्फ और सिर्फ फीस ने इन्वेस्ट किया था तो मैं फीस के अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दूंगा। उसके बाद मैं तीसरा करंट एसेट लिखूंगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। सीक्वेंस का ख्याल रखिएगा गाइज, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सिर्फ किलर ने इन्वेस्ट किया था तो 45,000 का ये भी रिपोर्ट कर दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पर अदर करंट एसेट, रेंट रिसीवेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल, इन दोनों को रिपोर्ट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल अमाउंट इज 50,000 एंड रेंट रिसीवेबल अमाउंट इज आई गेस 70,000। यस एग्जैक्टली, हमारे पास टोटल करंट एसेट्स यही हैं। हम इन टोटल करंट एसेट्स को सम करके लिख देंगे गाइस। फिर हम नॉन करंट एसेट की हेडिंग मेंशन करेंगे, और नॉन करंट एसेट की हेडिंग हम कुछ इस तरह मेंशन करने के बाद, जो नॉन करंट एसेट हैं हमारे पास इक्विपमेंट, फर्नीचर, ऑफिस प्रेमिसेस एंड ऑफिस बिल्डिंग, राइट। तो हम इसको इसी सीक्वेंस में लिख देंगे। इक्विपमेंट अमाउंट इज 50,000, फर्नीचर अमाउंट इज 35,000,
गाइज हम यहाँ पर तीनों के कैपिटल को रिपोर्ट कर चुके हैं और इसी के साथ मैं टोटल पार्टनर्स इक्विटी को सम करके यहाँ रिपोर्ट कर दूंगा। गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे सोल्यूशन भेजा भी है अपना सॉल्व करके, उन्होंने एक पेज पर ही एसेट्स और इक्विटीज़ को रिपोर्ट कर दिया है। गाइज इट इज़ बेटर कि आप दो पेज पर, एक पेज पर सेपरेटली एसेट्स को और एक पेज पर सेपरेटली इक्विटी साइड को रिपोर्ट करें, तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि चीज़ें आपको लिखने में आसानी होगी। अब देखें जिस तरह मैंने यहाँ पर दो कॉलम यूज़ किए हैं एसेट को और टोटल एसेट, टोटल करंट एसेट को रिपोर्ट करने के लिए, सिमिलरली मैंने लाइबिलिटीज़ को और इक्विटीज़ को भी दो डिफरेंट कॉलम में रिपोर्ट किया है, एक सब टोटल कॉलम और एक टोटल कॉलम में। तो आपके पास वो जगह नहीं बनेगी अगर आप एक पेज पर ही उसको रिपोर्ट करेंगे। वो भी तरीका ठीक है, लेकिन बेटर ये है कि आप इसकी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा बेटर बनाएं और दो सेपरेट पेज पे आप इसे सॉल्व करके प्रेजेंट करें। हो सका तो मैं एट द एंड या नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक पेज पर हैंड रिटन भी सेंड कर दूँगा कि किस तरीके से आपको बैलेंस शीट प्रॉपर वे में बनानी चाहिए। तो मैं इन दोनों एसेट साइड और इक्विटी साइड को सम कर रहा हूँ और सम करने के बाद मेरे पास दोनों साइड बिल्कुल बैलेंस शीट टाई हो गई है। इट मींस कि मेरा जो बैलेंस शीट मैंने बनाई है वो बिल्कुल ठीक बनी है। अच्छा गाइस, इसी के साथ यहाँ पर बैलेंस शीट तो हमने कंप्लीट कर ली है और हमारा लेक्चर का भी अख्तितम होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में सेम मर्जर ऑफ सोल प्रोनरशिप बिजनेस रिलेटेड एक क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद अपने फ्रेंड्स को चैलेंज करें और शेयर करें, और उसके बाद आप चाहें तो मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं सॉल्यूशन, और नीचे कमेंट में डन लिखकर भी सेंड कर सकते हैं। मज़ीद किसी भी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे मज़ीद कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अगर पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक करके एरिया टू इम्प्रूव ज़रूर बताइएगा। तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। थैंक यू।